नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द खबरदार न्यूज टॉप 10 में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। शाहबोली 75 साल में रिटायरमेंट, भाजपा के संविधान में नहीं। केजरीवाल ने पूछा था मोदी अगले साल 75 की हो जाएंगे, क्या रिटायरमेंट लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 11 मई को हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल, इंडिया अलायंस के घोटाले, 3 चरणों में एनडीए के प्रदर्शन समेत कई बातों पर चर्चा की। गृह मंत्री ने साफ किया कि 75 साल में रिटायरमेंट का भाजपा के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अपनी तीसरी टर्म पूरी करेंगे। केजरीवाल बोले मोदी शाह को पीएम बनाएंगे, 2 महीने में योगी को सीएम पद से हटाएंगे। शाह बोले सरकार का नेतृत्व मोदी ही करेगी। 39 दिन बाद तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में पहला चुनावी भाषण दिया। उन्होंने 21 मिनट की स्पीच की शुरुआत हनुमान जी से की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही, वन नेशनल वन लीडर, भ्रष्टाचार, देश विपक्षी गठबंधन से होते हुए प्रभु यानी भगवान पर खत्म की। मोदी की चुनौती, ओडिशा के सीएम जिलों के नाम बताएं। कहा कांग्रेस 50 सीटों से नीचे सिमटेगी। पीएम ने पद्मश्री पूर्णवासी जानी के पैर छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार यानी 11 मई को ओडिशा के कंधमाल, बलांगीर और बरगढ़ में चुनावी रैलियां की। उन्होंने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को चुनौती देते हुए कहा, नवीन बाबू लंबे समय से ओडिशा की मुख्यमंत्री हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वे ओडिशा के सभी जिलों का नाम बिना कुछ देखे बताएं। दिल्ली में धूल भरी आंधी, 2 लोगों की मौत, 23 घायल, 9 फ्लाइट डायवर्ट। यूपी राजस्थान समेत 13 राज्यों में बारिश और बिजली का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच शुक्रवार की रात धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। इस दौरान पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। तेज आंधी से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तूफान के कारण अलग अलग हादसों में कुल 23 लोग घायल हुए हैं। हवा की रफ्तार 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच दर्ज की गई। 7 दिन बाद सेना को मिलेगा पहला हरमीस 900 स्टारलाइनर। बठिंडा बेस पर तैनात होगा दृष्टि 10 ड्रोन। यहां से पाकिस्तान समेत पश्चिमी बॉर्डर पर निगरानी होगी। पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा पर निगरानी को बढ़ाने में मददगार हरमीस 900 स्टारलाइनर ड्रोन 18 मई को हैदराबाद में भारतीय सेना को मिलेगा। यह सेना को मिलने वाला पहला ड्रोन है। हालांकि सबसे पहला हरमीस 900 जनवरी में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था। दूसरा ड्रोन सेना ले जा रही है। पीएम के रोड शो के लिए पूरी काशी को निमंत्रण, 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट। 4 मंत्री, 3 सांसद और 14 विधायक उतरे। वाराणसी में पीएम मोदी 14 मई को नामांकन से पहले 13 मई को रोड शो करेंगे। 6 किलोमीटर के रोड शो में 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट है। इसके लिए पूरी काशी को निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। 25 टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों को यूपी सरकार के 4 मंत्री, 3 सांसद और 14 विधायक लीड कर रहे हैं। ब्रजभूषण बोले आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा, कोर्ट को सबूत देने का समय आ गया, पहले साहबजादे को चुनाव जिता लूं। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों को खारिज किया। शनिवार को गोंडा में कहा, मेरे ऊपर लगे आरोप झूठे हैं, अगर आरोप साबित हुए तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। अब कोर्ट को सबूत देने का वक्त आ गया है, अभी चुनाव चल रहा है, मेरे सहजादे यानी बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतने दीजिए फिर आगे की रणनीति पर बात करूंगा। पीसी ने खड़गे से कहा, वोटिंग डेटा में गड़बड़ी नहीं हुई, हमारा डेटा कलेक्शन प्रोसेस मजबूत, सोच समझकर बयान दे। आयोग से मिला INDIA गठबंधन का प्रतिनिधि मंडल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव आयोग यानी ईसी ने सोच समझकर बयान देने को कहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के 2 फेज की वोटिंग के बाद फाइनल आंकड़े जारी किए थे। इस पर खड़गे ने सवाल उठाए थे। बीजेपी 400+ सीटें जीती तो लव जिहाद खत्म करेंगे। बेगूसराय में बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा, मुसलमानों को पाकिस्तान में मिले आरक्षण। बेगूसराय में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि लालू यादव कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन मुसलमान को आरक्षण भारत में नहीं पाकिस्तान में मिलना चाहिए। असम सीएम बेगूसराय के बखरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के लिए जनसभा करने पहुंचे थे। वहीं बेगूसराय के बरौनी फर्टिलाइजर टाउनशिप मैदान में गिरिराज सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह चुनाव राम भक्त और राम द्रोहियों के बीच हो रहा है। मोहन यादव बोले केजरीवाल वेंटिलेटर पर हैं, सीएम पद से इस्तीफा दें। सीएम ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री को साइन करने का अधिकार नहीं। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 50 दिनों बाद सशर्त जमानत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केजरीवाल पर हमला बोला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक मुख्यमंत्री अपनी जिद के आगे मतदाताओं का अपमान कर रहा है। उनकी पार्टी को जितने वोट मिले थे सारे मतदाताओं का अपमान है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें द खबरदार न्यूज़।